बैरिस्टर बाबू से ऑरा भटनागर की एग्जिट होने को तैयार है। ऑरा अपना आखिरी एपिसोड भी शूट कर चुकी है जो बहुत जल्द आप स्क्रीन पर देखेंगे। पर ऑरा के जाने से शो के स्टार समेत उनके फैंस भी काफी उदास हो रहे हैं और उनके शो से जुड़ी यादों को शेयर भी कर रहे हैं। मतलब ऑरा तो शो से जा ही रही है लेकिन पीछे छोड़कर जा रही है अपनी वो तीन यादें जिन्हें फैंस बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। ये वो तीन बातें हैं जिससे ऑरा बोंदिता के किरदार में खुद को ढाल पाए, वो तीन बातें जिनकी वजह से वो बोंदिता के रोल से हर दिल की धड़कन बन गई। क्या है वो बातें जो अब बस याद बनकर फैंस के सामने आएंगी, आप भी सुनिए जरा। नंबर एक, ऑरा की मासूमियत। जी हाँ, जिस मासूमियत से ऑरा ने बोंदिता का किरदार निभाया वो अब हमेशा उनके फैंस को याद ही आएगा। बोंदिता के किरदार में जिस अंदाज में ऑरा चुलबुलापन लेकर आए, अपने अंदर के मासूम बच्चे को जिस तरह ने उन्होंने स्क्रीन पर निभाया वो अच्छे अच्छे कलाकार नहीं कर पाते। ऑरा की इसी मासूमियत और उनके किरदार में दिखी नादानियां ही थी जो जनता के दिल को छू गईं। लेकिन अब ऑरा के जाने से उनका बोंदिता के रूप में मासूम चेहरा हमेशा याद बनकर रह जाएगा। दूसरी बात, नन्ही बोंदिता का तर्क करने का अंदाज। जी हाँ, बोंदिता के किरदार की ये ही सबसे बड़ी खासियत थी कि वो हर छोटी से छोटी बात पर बड़े ही समझदारी से तर्क वितर्क करती थी। किसी भी बात की अच्छाई हो या फिर बुराई, कैसे लोगों तक उस बात को पहुंचाना है ये बोंदिता के किरदार में देखने को मिला। 10 साल की नन्ही बोंदिता की समझदारी और सवालों के आगे अच्छे अच्छों की बोलती कैसे बंद हुई ये शो में खूब देखने को मिला। नन्ही ऑरा को देखकर लगा ही नहीं कि वो 10 साल की एक नन्ही कलाकार है, बल्कि ऐसा लगा कि उनके अंदर एक महान कलाकार समाया हुआ है। लेकिन अब ऑरा के जाने से नन्ही बोंदिता की ये बात भी उनके फैंस खूब मिस करेंगे और जिस अंदाज में हर चीज पर सवाल उठाया करती थी वो उनके फैंस काफी मिस करने वाले हैं। और तीसरी बात, अनिरुद्ध बोंदिता की प्यारी केमिस्ट्री। जी हाँ, बोंदिता का स्टाइल, उनकी अदाएं तो सबसे अलग और खास थी, लेकिन अनिरुद्ध और बोंदिता का रिश्ता और उनकी केमिस्ट्री भी सबसे अलग थी। मतलब जब शो में अनिरुद्ध और बोंदिता का सेपरेशन और दोनों के बीच की दुनिया देखने को मिलने वाली है, ऐसे में बचपन की बोंदिता की अनिरुद्ध जिस तरह से केयर करता था और हर कदम पर बोंदिता का साथ देता था ये बात भी काफी याद आने वाली है। बेशक अनिरुद्ध बोंदिता का पति था लेकिन दोनों का रिश्ता कभी एक दोस्त तो कभी एक टीचर के रूप में देखने को मिला जो हमेशा बोंदिता को सही राह की ओर ले जाता था। लेकिन अब लीव के बाद दोनों की ये प्यारी केमिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे में अनिरुद्ध और बोंदिता की वो पहले वाली प्यारी केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत याद आने वाली है। वाकई ऑरा शो से जुड़ी कितनी सारी यादें अपने फैंस के लिए छोड़कर जा रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि अपने फैंस के लिए ऑरा ही हमेशा बोंदिता बनी रहेंगी।